देखिए, कल जो हमने किया था वो क्या किया था, ऑर्डर्ड पेयर्स और क्या था दूसरा, कार्टेशियन प्रोडक्ट, उस पर बेसिस जो कुछ क्वेश्चन किए थे, ये राजू सर जी। ठीक है, आज जो हम करेंगे वो अब हम यहाँ से रिलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, रिलेशन की स्टार्टिंग अब होगी, अब चैप्टर। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि रिलेशन होता क्या है। रिलेशन की अगर सिंपली मैं डेफिनेशन दूं आपको, तो रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। क्या? रिलेशन रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक, यानी कि अगर इसे लिखूं तो आर सबसेट का साइन तो आप जानते हैं, ए क्रॉस बी। रिलेशन जो होता है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। अब अगर मान लेते हैं हमारे पास में कोई एक ए सेट है 1, 2, बी सेट है बेटा ए कॉमा बी। ठीक है, कल मैंने आपको निकालना सिखाया था ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे। ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्या वन का ए के साथ, क्या वन कॉमा फिर वन कॉमा बी, टू का ए के साथ और टू का बी के साथ, ये सिखाया था। अब रिलेशन मैंने आपको डेफिनेशन अभी क्या बोली है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसका मतलब मान लीजिए मुझे आर वन रिलेशन निकालना है, रिलेशन आर वन, तो इसमें से मैं कोई भी एलिमेंट उठा सकता हूं, जैसे सपोज वन ए और टू बी, मैंने ये दो ले लिए, वन ए टू बी, तो ये क्या हो गया, रिलेशन है। रिलेशन क्यों है, क्योंकि ये वाला जो सेट मैं बना रहा हूं क्या वो इसका सबसेट है ए क्रॉस बी का, बिल्कुल। अब ये सबसेट मतलब होता है या तो उसके इक्वल हो या छोटा हो, या छोटा हो मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो इस वाले में होने ही चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने दूसरा कोई रिलेशन बनाया आर टू रिलेशन टू, क्या मान लीजिए वन बी और टू ए, तो ये क्या है, रिलेशन है, क्योंकि ये इसका क्या है, सबसेट है। ऐसे ही कई सारे रिलेशन बन सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपने दो या तीन ही लेने हैं, अगर आप सारे के सारे चारों भी ले लेते हो तो भी क्या ये इसका सबसेट होगा, होगा ना, सिखाया था बराबर वाले भी सबसेट ही होते हैं। ये चारों भी अगर आपने ले लिए तो ये चारों के चारों जो पेयर्स हैं वो इसके अंदर आ रहे हैं ना, तो यानी कि ये R3 इसका क्या है, सबसेट, तो ये रिलेशन होगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने कोई ऐसा रिलेशन बना लिया कि जैसे 1A, 2A और 3A, तो भैया अब ये रिलेशन नहीं है। बोले सर मिल तो रहे हैं 1A 2A, तो मिल रहा है 1A 2A, लेकिन 3A इसमें तो है पर इसमें है नहीं, तो क्या ये इसका सबसेट है, नहीं। और अगर ये इसका सबसेट नहीं है तो ये रिलेशन भी नहीं होगा, तो ये गलत। सबको समझ में आया, तो यहाँ पे रिलेशन का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया कि रिलेशन आखिरकार होता क्या है, कुछ नहीं होता, सिंपली ए क्रॉस बी का सबसेट होता है बस। ठीक है, लिखे जाना, फिर आगे चलते हैं। देखो अब नेक्स्ट हमें रिलेशन की डेफिनेशन के बाद सीखना है डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इमेज और प्री इमेज। मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, हमारे पास दो सेट हैं, ए हमारे पास है 1, 2, 3, 4 और हमारे पास बी सेट है ए बी सी डी ई। ठीक है, ये दो सेट हैं। कल मैंने बेटा आपको एरो डायग्राम बताया था, कुछ डायग्रामेटिकली जो बताया था एरो डायग्राम, देखें जरा, ये ए सेट है ये बी सेट है, ऐसे ही आपको बताए थे, बनाए थे। ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1, 2, 3 और 4 और इसमें ए बी सी डी और ई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ये एरो डायग्राम्स कल भी हुए। अब क्योंकि मुझे आपको डोमेन कोडोमेन वगैरह बताना है, तो मैं अपने हिसाब से किसी को भी किसी में रिलेट करा देता हूं। जैसे मान लेते हैं 1B से रिलेट कर रहा है, मान लेते हैं 2A से रिलेट कर रहा है, 3E से रिलेट कर रहा है और 4C से रिलेट कर रहा है, सही है, मान लेते हैं। तो पहला जो चीज आती है वो आती है डोमेन, डोमेन
डोमेन क्या होता है, डोमेन। एक बात और याद रखना, इसे अपने मन में एक्स और ये वाई मान सकते, ये एक्स एलिमेंट है, वाई एलिमेंट। डोमेन क्या होता है, डोमेन ए सेट के, ए सेट के वो सारे एलिमेंट्स होते हैं जो रिलेशन में होते हैं। वन टू थ्री फोर, चारों रिलेशन में है या कोई बच रहा है, चारों है ना। डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर इन रिलेशन। ए सेट के वो सारे एलिमेंट्स जो कि किसमें हो, रिलेशन में हो, उसे हम क्या कहते हैं, डोमेन। इसके हिसाब से डोमेन क्या बनेगा, वन टू थ्री। दूसरा आता है कोडोमेन। डोमेन क्लियर हो गया होगा, कुछ नहीं है, सिंपली ए सेट बनाना है, उसमें बस ये देखने कौन कौन रिलेशन में लिखते हैं। कोडोमेन, कोडोमेन हमेशा पूरा सेट बी रहता है, पूरा बी सेट में आने वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, वो पूरा का पूरा कोडोमेन होता है। तो कोडोमेन की अगर मैं बात करूं तो एज इट इज आप बी सेट को लिख देंगे, जो होता है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, या बोले तो इसको इक्वल लिख सकते हैं किसके, बी सेट कोडोमेन। ठीक, फिक्स रिलेशन। रेंज किसी को आइडिया लग रहा है इस हिसाब से, तो रेंज क्या हो जाएगी फिर, रेंज होती है बी सेट के एलिमेंट्स, लेकिन कौन से, जो रिलेशन में होते हैं। तो कोडोमेन और रेंज में क्या फर्क है, कोडोमेन में तो सारे एलिमेंट ले लेते हैं, लेकिन रेंज में सिर्फ बी सेट के वो एलिमेंट लेते हैं जो रिलेशन में होते हैं। ए है, बी है, ए रिलेट कर रहा है, बी कर रहा है, सी कर रहा है और ई कर रहा है, डी तो नहीं कर रहा ना, तो उसको छोड़ देंगे। समझ में, डोमेन कोडोमेन और रेंज, ये तीनों चीज समझ में आ गई। फोर्थ आपका जो आता है वो आता है इमेज। अब ये इमेज क्या होती है, इमेज को ऐसे समझो, ये होती है इमेज बी सेट के एलिमेंट्स। ठीक है, इट्स लाइक अ मिरर, ये ऑब्जेक्ट और ये मिरर। कोई अगर ऑब्जेक्ट है, ये इससे रिलेट कर रहा है, मतलब ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट खड़ा है, मिरर सामने है, तो देखेगा तो यही मिरर में तो इमेज बनेगी। ऐसे याद करने का तरीका है सिंपली, तो इन्हें क्या बोलते हैं, इमेज। हाँ भाई, ए इज द इमेज ऑफ टू, क्योंकि ए किससे रिलेट कर रहा है, टू से। तो बेटा इसको लिखते ऐसे हैं, ए इज द इमेज ऑफ टू, सी इज द इमेज ऑफ फोर। लिख लोगे सभी पक्का, अगर ये इमेज होती है तो फिर ये क्या होती है, प्री इमेज। अंडरस्टूड है, प्री इमेज है ना। इसको कैसे बोलेंगे, अगर हमने बोला ए इज द इमेज ऑफ टू, तो फिर टू इज द प्री इमेज ऑफ ए। यहां जगह कम है, मैं यहां लिख देता हूं प्री इमेज, पांचवा पार्ट है। प्री इमेज में क्या लिखेंगे, टू इज द प्री इमेज ऑफ इसकी ए। ऐसे ही अगर पढ़े, थ्री इज द प्री इमेज ऑफ ई, थ्री किसकी प्री इमेज है, ई की। समझ गए, ये पांच चीजें इतनी होती हैं। अब बताओ जल्दी से किसको क्या समझ में नहीं आया, सारा कुछ आ गया तो नोट कर लो, फिर कोई टेंशन नहीं है, करो। अब ये देखिए एग्जांपल नंबर 7 है एनसीईआरटी का, समझेंगे क्या बोल रहा है आपसे। लेट A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. आपको एक सेट दे रखा है A. कह रहा है define a relation R from A to A. और relation आपको ऐसे दे रखा है. पहले तो ये मतलब समझे कि इस A to A का क्या मतलब है. क्योंकि relation का होता है A set से B set में A to B. लेकिन A to A का मतलब इसने आपको एक चीज बोल दी यहाँ पे कि इधर जो सेट लेना है वो भी A लेना है और इधर जो लेना है वो भी A लेना है। A to A का ये मतलब है कि जो ये रिलेशन R बन रहा है वो A to A बन रहा है। A में कौन कौन से एलिमेंट हैं? 1, 2, 3, 4, 5, या भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही होंगे। ठीक है, चलो आपको एक रिलेशन जो है वो बनाना है
एक तो आपसे कह रहा है डेपिक्ट दिस रिलेशन, इस रिलेशन को एरो डायग्राम में दिखाओ, ठीक है दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में, और एक डोमेन को डोमेन रेंज निकालो। तो भैया पहले इस रिलेशन को यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में ले तो आओ कि क्या है, उसके बाद बना देंगे एरो डायग्राम में। समझिए चलिए रिलेशन को, रिलेशन आपको क्या दे रखा है, एक्स कॉमा वाई, मतलब यहाँ पे एक्स कॉमा वाई की फॉर्म आएगी, ब्रैकेट आएगा किस तरीके से कि y is equal to x plus 1, such that इस तरीके से कि y is equal to x plus 1 है, ये एक equation दे रखी है आपको, y is equal to x plus 1। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था, इसको x मानते हैं और इसे y मानते हैं, सही है। x रखो यहाँ से x की value, पहले रखो इधर देखो x की value, अगर मैं इसमें 1 रखूँगा तो y कितना आ जाएगा 2, यानी कि 1 किससे relate कर रहा है, ठीक है रिलेशन बाद में दिखाएंगे, पहले यहाँ क्या लिखेंगे 1.2। चलो x की जगह यहाँ पे 2 रखो, इस वाले में y कितना आएगा, x की जगह 3 रखो, फिर 4 रखने पे 5 रखने पे और 6 रखने पे 7, तो क्या मैं उसको लिखूंगा, क्यों नहीं लिखूंगा, है ही नहीं है, गुड। हम यहाँ 6.7 इसलिए ले सकते हैं कि 6 जैसे इसमें तो है डोमेन में तो रख सकते हैं, लेकिन जैसे रखेंगे वाई सेवन आएगा जो इसमें है ही नहीं है, तो इसीलिए वो वाला जो है ऑर्डर पेयर नहीं लिया जाएगा, सिर्फ इतना ही आएगा। रिलेशन बना लिया आपने, रिलेशन करने के बाद में 1 2 से रिलेटेड है 2, 3 से 3, 4 से 4, 5 से और 5 6 से, ये मैंने पहला पार्ट खत्म कर लिया। उसने कहा था ना इस रिलेशन को एरो डायग्राम दिखाओ, दिखा दिया भाई, ठीक है पहला पार्ट खत्म, सेकंड पार्ट पे आ जाओ। चलो फर्स्ट पार्ट तो खत्म हो गया, क्या कह रहा है डोमेन, कौन बताएगा डोमेन, 1 2 3 4 5, 6 नहीं लेंगे क्योंकि 6 रिलेशन में नहीं है। हाँ अब क्या आएगा, कोडोमेन, कोडोमेन क्या है, पूरा पूरा बी सेट है, तो लिख देता हूं लेकिन मैं बहुत आराम से इसको 1 2 3 4 5 6, और रेंज क्या बताई थी अभी, बी सेट के वो एलिमेंट जो रिलेशन में हो, 2 3 4 5 6, सबको समझ में आया, खत्म हो गया पूरा एग्जाम्पल, बहुत ही सिंपल है। हाँ ये आपको एग्जाम्पल नंबर 8 दिया है, क्या कह रहा है, फिगर शो कर रहा है आपको रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू, पी सेट और क्यू सेट के बीच में एक रिलेशन आपको शो हो रहा है, राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और उसके डोमेन को डोमेन रेंज लिखते हैं। हाँ भाई सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए क्या चाहिए आप मुझे बताओ, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, एक यूनिक, हाँ या कॉमन प्रॉपर्टी लगनी चाहिए, देख के बता सकते हो क्या प्रॉपर्टी है, बहुत साफ समझ में आ रहा है, स्क्वायर है, गुड। ये जो है ना ये 9 ये स्क्वायर है किसका, 3 का और -3 का, 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2 एंड -2, तो P is the square of Q या Q is the square of P? P. क्योंकि ये square है, 9 is the square of 3, right? तो P is the square of Q. तो अगर मैं यहाँ पे relation R बनाता हूँ तो कैसे बनेगा, X comma Y कैसे बनाते हैं? Set builder form में, set में जब हम बनाते थे तो सिर्फ क्या लिखते थे? x such that, लेकिन वो एक एलिमेंट होता था, यहाँ पे ordered pair की फॉर्म चल रही है ना, तो x comma y such that, क्या such that, x is the square of y, ठीक है, या हम बोल सकते हैं p is the square of q, set के मामले, अच्छा क्योंकि लेकिन मैंने यहाँ पे x और y लिया तो फिर मैं x और y लूंगा, या फिर यहाँ पे p क्यों लेना चाहिए था, लेकिन आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा वेयर x किसको बिलोंग कर रहा है p और y किसको बिलोंग कर रहा है q, भाई ये बताना पड़ेगा ना x एलिमेंट p को बिलोंग कर रहा है y q को बिलोंग कर रहा है, सेकंड का कौन बताएगा रिलेशन, रोस्टर फॉर्म में बताना है, रोस्टर फॉर्म में बोलो 9 कॉमन क्योंकि 9 इज रिलेटेड टू 3 और सेम वे में 9 इज रिलेटेड टू फिर 4 रिलेटेड टू 4 25 25, अच्छा डोमेन लिखना है, डोमेन क्या होगा बोलो 9 4 25,
कोडोमेन क्या होगा? सारे ही आ जाएंगे, 5 3 2 1। बी सेट के सारे एलिमेंट्स मतलब क्यू सेट के, और रेंज 5 3 2 1। क्यू सेट के वो जो रिलेशन में है, 5 है, 3 है, 2 है, माइनस 2 है, माइनस 3 है और माइनस 5 है, तो ये रेंज में आ जाएंगे। ठीक है, पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया।